अहम खबर आपको दें, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ है जिसमें हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं में और क्या बातें हुई हैं, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे आसिम नसीर से। आसिम बताइएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम के सरबराह और जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान के सरबराह मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुकूमत के मुखालिफ तरीके अदम इत्मीनान और जो इत्तेहादियों के साथ और दीगर सियासी जमातों के और खासतौर पर हुकूमती अरकान के साथ जो रबते हुए हैं उस पर तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए का ये बताना है कि जहाँ पर अदम इत्मीनान के हवाले से कानूनी और आइनी मामला पर राय लेने पर इत्तेफाक किया गया है, वहीं पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर दोनों रहनुमाओं ने भी एक मरतबा फिर उन्होंने इसमें इत्मीनान का इजहार किया। साथ साथ ज़राए का ये बताना है कि रवां हफ्ते में मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ इन तीनों की मुलाकात भी मुतवक्को है, लेकिन अभी उसका दिन जो है उसका फैसला नहीं हुआ। लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि इस टेलीफोनिक रबते में तीनों रहनुमाओं की शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात के ऊपर बात हुई है और रवां हफ्ते की मुलाकात मुतवक्को है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आसिम।